आज कुछ रेमेडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी बिजनेस। अब एक साधारण सी बात करते हैं, बड़ी इजी सी। एक व्यक्ति है जिसका बिजनेस नहीं चल रहा, आपके पास आया, मेरे को बिजनेस प्रोड्यूसर ला रहा है, इंक्रीज माई बिजनेस, आई नीड बिजनेस सॉल्यूशंस। एक लेमैन की तरह व्यक्ति पूछता, भैया आप वास्तु करते हो, कुछ हमारा भी उद्धार कर दो, कुछ हमारा भी बिजनेस बढ़ा दो। ऐसे में आप क्या करोगे? आप लोगों से चार चीज पूछोगे बस। तो बिजनेस में दिक्कत क्या है? बिजनेस में दिक्कत यह है कि भाई लोग तो सब आ जाते हैं, मकान बढ़िया, सामान भी रखा हुआ है, क्वालिटी मटेरियल है, कोई दिक्कत नहीं है, लोग आते हैं, बातचीत भी करते हैं, लेकिन पैसा ढीला नहीं होता जेब से, जेब में पैसा नहीं आता उनकी। आसान सी बात है, अगर इंसान जेब से पैसा ढीला नहीं कर रहा, कौन सी देवता फिर पकड़ोगे आप? मैंने तीन बिजनेस देवता फिर बताई आपको बिजनेस की, कौन सी? आपको मैंने सबसे पहले आपको बोला लोगों का लेके आना, फुटफॉल। फुटफॉल आपको कहां से आया? नाक से आया, एड्डू नाक से अंदर अंदर आ गया। मुखिया था, मुखिया काम किया था, अंदर लेके आ गया, एंट्री पे आ गया मुखिया। मुखिया काम किया, अंदर एंट्री करी, अंदर लेके आ गया। अंदर लाके मुखिया क्या करेगा? मुखिया कहेगा, भैया ये सामान है, ये सामान अब आप खरीदना शुरू करो, लेट्स स्टार्ट परचेजिंग। ठीक, उसके बाद बल्लाट है, बल्लाट क्या करेगा? बल्लाट कहेगा ला भाई ला, पैसे दे दे, अब पैसे दे दे। और प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो बल्लाट देगा। तो मुखिया पहले, तो मुखिया जेब से पैसे निकलवाएगा, अब बल्लाट के अंदर वो प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट बना उसकी जो तिजोरी होगी वो सोम है, एन फाइव है। ये चार देता फिर बड़ी सिंपल सी बात है, आसान सी। तो क्वेश्चन में बड़ा क्लियरिटी होनी चाहिए आपके कि आप सामने वाले को पैसा जेब से नहीं ढीला कर रहा तो एंट्री पकड़ के इसकी रेमेडी करवा देना, पैसा ढीला कर रहा है या कंफ्यूज स्टेट है कि ये पैसा भी नहीं ढीला कर रहा और या प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो एंट्री एंड फोर की रेमेडी करवा लो। अब ये तीनों चारों फील्ड आपने टैकल कर ली, इंसान कहता है लोग ही नहीं आ रहे, तो फुटफॉल एंड टू पकड़ लो, साथ में ईस्ट में पकड़ लो। ईस्ट में क्या क्या दिक्कत है? रेमेडी क्या देनी है आपको? नॉर्थ की अगर एन टू की रेमेडी है, फुटफॉल नहीं आ रहा, तो एन टू को एक्टिवेट कर दो। कैसे एक्टिवेट करोगे? वहां पे जो उसके पहला क्लियर है, इनबैलेंस को हटाओ वहां से, जितना भी इनबैलेंस तत्व है वहां से हटा दो। इनबैलेंस तत्व को हटाने के बाद वहां पे आप जो है कुछ मत करो, तो अट्रैक्शन के लिए उसका जो मटीरियल ऐसा हो जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव मटीरियल है उसको बोलो वहां पेस्ट करो। सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव मटीरियल जो भी उसके पास है उसको बोलो वहां पेस्ट करो, कुछ भी नहीं हो सकता, ताकि अट्रैक्शन बढ़े। अब ईस्ट में जाके फुटफॉल को क्रिएट करेंगे, एसोसिएशन चाहिए, उसका ईस्ट देख लो कैसा है, उसका ईस्ट के अंदर E4 E5 पे देख लो क्या लगा हुआ है। अगर E4 पे ईस्ट अगर उसका फुटफॉल नहीं बढ़ रहा, तो एक लाइक वॉकिंग कस्टमर होता है ना, जैसे वॉकिंग कस्टमर ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे आ रहे हो, इट्स लाइक पीपल का, लोगों का समूह चलता हुआ आ रहा हो, ऐसा एक फोटो लो और E4 पे लगा दो, टांग दो, द ग्रुप ऑफ पीपल इज कमिंग एंट्रिंग इनटू हिज शॉप, राइट। एक बड़ा सा समूह चलता हुआ उनकी शॉप के अंदर आ रहा है, बड़ा सा समूह चलता हुआ उनकी शॉप पे आ रहा है, गेट द पीपल इनसाइड द शॉप, फुटफॉल बढ़ गया। अब अगली बात आई, फुटफॉल आ गया, लोग प्रॉपर पैसा खर्च कर दिए, लेकिन कैश लिक्विडिटी हाथ में नहीं बैठ रही, प्रॉफिट नहीं आ रहा या कैश लिक्विडिटी हाथ में नहीं बैठ रही, N4 को पकड़ लो। N4 पे क्या क्या रेमेडीज लगती है वो रेमेडी लगा दो। क्या सबसे पहला कहा तो कलर है, वहां पे कलर चेक कर लो, वहां का कलर क्या है। कलर अगर नेगेटिव है तो कलर जलाने के लिए वहां पे एक सफेद बल्ब जला दो, पीछे से सफेद बल्ब आ रहा है, पीछे सफेद रंग आ रहा है ना पीछे से, तो सफेद बल्ब जला दो वहां पे। एक साउथ ईस्ट पकड़ लो, अनिल की देवता फील्ड पकड़ लो, वहां से अनिल की देवता फील्ड पकड़ लो, तो इम्बैलेंस चेक कर लो, कोई इम्बैलेंस तो नहीं है, इम्बैलेंस आ रहा तो उसको रिमूव कर लो, और उसके बाद अनिल की देवता फील्ड को एक्टिवेट कर दो सेल्फ तरीके से ही, ऑरेंज कलर का एक बल्ब लगा दो वहां पे। तो दो चीज हमने टैकल कर ली आसान तरीके से, क्या? एक तो
कैश जेब से निकाला, दूसरा कैश लिक्विडिटी हाथ में लेकर। अगला कहता है, अब आज बात आती है कि भैया तिजोरी नहीं भर रही, पैसे नहीं टिक रहे। अब जब अब सोम की बात आ गई, तो सोम जी का स्थान कुबेर देवता, कुबेर देवता का स्टैचू लो और उसकी बाद पोजिशन करवा दो स्टैचू को, और साथ में सुग्रीव और द्वारिक फील्ड जो कि WSW की W3W4 जोन है, वहां पे बोले गुलक लगा दे या तिजोरी स्थापित कर दे फेसिंग ईस्ट, फेसिंग ईस्ट, और तिजोरी में उसके शीशा लगा दो, तिजोरी में उसके शीशा लगा दो, तिजोरी को चारों तरफ से शीशा लगा दो, अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से। अब जितना ज्यादा शीशा लगा सकता ऊपर नीचे दाएं बाएं जितना शीशा लगा सकता लगा, शीशा कौन सा वाला जिसमें से आर पार दिखता है, नहीं जिसमें से शक्ल दिखती है, मिरर, मैंने शीशा बोला कि आर पार शीशा नहीं चाहिए, चश्मे वाला ग्लास नहीं, मिरर, ठीक, तिजोरी में वो लगा दे। तो हमने क्या किया उसकी प्रॉब्लम को टैकल करने का एक आसान सॉल्यूशन निकाला। अब आगे बात बढ़ती है, क्या ना मेरी जो कॉम्पिटेंसीज है ना वो वीक हो जाती है, मैं तरीके से बता रहा हूँ, रेमेडी आपको और बताऊंगा आगे तरीके से। बात आती है क्या था, मेरी जो क्षमता है, मेरी मतलब क्वालिटी, मतलब लोग क्वालिटी की कंप्लेंट करते हैं, भाई माल भी किया पैसा भी आ गया लेकिन लोग कंप्लेंट करते हैं भाई हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं है, जबकि हम अपनी पूरी मेहनत करते हैं, मेहनत का कमी नहीं हमारी, बट हमारी मैन पावर भी स्किलफुल है पर फिर भी क्वालिटी नहीं आती है, तो क्वालिटी की दिक्कत बहुत कहते हैं, क्वालिटी आपकी जो है ऑन द किसम क्वालिटी नहीं। साउथ वेस्ट चेक कर लो, साउथ वेस्ट में पितृ दोष अगर आ रहा हो तो पितृ दोष की रेमेडी करवा लो, अगर पितृ देवता फील सही नहीं आ रही तो वहां पे मृग पितृ देवता फील, और कौन सी मृग की देवता फील, मृग की पितृ की देवता फील में अगर दिक्कत आ रही है तो उसको रेक्टिफाई करवा लो, और व्यवसाय है तो वहां पे एक ईगल लगा दो, ईगल का काम क्या है उस दिन मैंने बताया था क्लास में, ईगल का, ईगल का काम है फोकस, ईगल इज अ मोस्ट स्किलफुल बर्ड, करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, ईगल इज अ मोस्ट स्किलफुल बर्ड विच इज डायरेक्टली फोकस्ड एंड विच गोज एट द हाइएस्ट लेवल इन द स्काई, बर्ड्स की पर्सपेक्टिव से। तो ईगल की फोटो या ईगल का स्टैचू लगा लो, उसके बाद यहाँ पे ईगल लगा दो प्लीज, विच डोनेट वॉट स्किल्स कॉम्पिटेंसीज एंड द अपॉर्चुनिटी और द परस्पेक्टिव टू ग्रो हाई। सुग्रीव के अंदर मैं एक चीज भूल गया था, वहां पे नंदी बैल भी ला सकते हो सुग्रीव पे, आप द्वारिक की देवता फील्ड में नंदी बैल भी ला सकते हो, द्वारिक की देवता फील्ड द्वारपाल है ना, नंदी बैल द्वारपाल ही तो है। तो अब बात आ जाती है कि हमारी स्किल भी ठीक है, ये भी सब ठीक है, अब दिक्कत कहाँ आ रही है और क्या दिक्कत आती है एक व्यक्ति की सेल्स में, भाई हमारे एम्प्लॉय नहीं टिकते, जो बढ़िया व्यक्ति होता है कारीगर वो भाग जाता है छोड़ के, वो टिकता ही नहीं, उसे कोई ना कोई तोड़ के ले जाता है बढ़िया व्यक्ति को, कारीगर को। तो हमारा अगर कारीगर नहीं टिक रहा तो अगेन रिटेंशन की जोन, रिटेंशन है ना, बात रिटेंशन से हुई ना यहाँ पे, कारीगर इज रिटेंशन राइट, रिटेंशन क्या है WSW, तो वापस WSW पे जाओ, जोन को एक्टिवेट कर लो। कैसे एक्टिवेट करोगे, पहला काम तो उसका कलर, WSW का कलर क्या, व्हाइट, दूसरा काम उसका मेटल लोहा, क्या कर सकते हो वहां पे धातु का पिरामिड लगा सकते हो, लेड का पिरामिड लगा लो वहां पे, लेड एक्टिवेट करो जोन को, और क्या कर सकते हो WSW पे एक ग्रीन माउंटेन की पिक्चर लगा सकते हो, रेमेडियल पार्ट में भी डिटेल में चलेंगे बट एक उदाहरण से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं।
और क्या होगा, और इंसान क्या बोलेगा कि हमारी लेबर भी टिक गई, अब तो अब क्या है भाई, फुटफॉल भी जनरेट हो गया, इंसान क्या जो ग्राहक आया उसे पैसे भी दे दिए, पैसे हमारे पास बचा भी लिए, हमने हमने अपनी स्किल्स भी डेवलप कर ली, हमने लेबर को भी टिका लिया, अभी क्या बिजनेस में दिक्कत आई आई क्या बोलेगा? अब वो ये बोल सकता है सारे काम हो गए, सब कुछ ठीक है, हमारे लोन नहीं उतर रहे, हम पे अपने लोन तो चढ़ गए, लोन ही नहीं उतरते, अपने कर्ज के अंदर डूबे पड़े हैं, कर्ज में डूबा हुआ है, गुडी कहाँ जाए, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, तो नॉर्थ वेस्ट के जितने इंबैलेंस है उसको रिमूव करो पहले, अगेन गो सेम, पहला प्रिंसिपल इंबैलेंस को रिमूव करो, वहां पे सबसे पहले तो व्हाइट एलिमेंट को फिक्स करो, वहां पे वहां का अपना एलिमेंट लोहा, लोहे की रॉड लगा दो, विश पिरामिड काम करता है ऐसे में, विश पिरामिड लगाओ, ऐसे में विश पिरामिड बहुत अच्छा काम करता है, नॉर्थ में विश पिरामिड लगाओ, साथ में जिस बैंक के साथ लोन चल रहा है उस बैंक का नाम लिखवाओ, उस बैंक का लोगो लगो और उस बैंक के नीचे स्टेटमेंट लिखाओ, आई हैव पेड ऑल ड्यूज ऑफ बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आई डू नॉट हैव एनी डेब्ट फ्रॉम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, माय ऑल लोन इज पेड ऑन अगस्त 2022, I am not having any debts. Thank you God, gratitude. But date realistic डालना, present tense. Sir, please check के क्या लिखना है वो repeat कर दीजिए. Statement है, present tense में ये बोलना बताना है कि मैंने सारा अपना पैसा दे दिया इस फलाने व्यक्ति का. मेरे पास कोई पैसा इस पुराने व्यक्ति का नहीं है. सर उस पर्सन का नाम लिखना फिर. ऑब्वियसली बोला ना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. सर अगर पर्सन से लिया हो लोन तो फिर पर्सन का नाम. वर्तिका जी से पैसा लिया तो अनिता जोशी जी ने वर्तिका जी को पैसे दे दिए. ओके सर ठीक है जी, वर्तिका जी पैसे लेने ना. सर बहुत जरूरी ये रेमेडी चाहिए थी मेरे को आज, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका. अब इंसान बिजनेस में क्या बोलेगा, वैसा सारे काम हो गए सही. अब व्यक्ति क्या बोलेगा, व्यक्ति बोलेगा अब आएगी बात, वैसा व्यापार तो बढ़िया चला, सब कुछ ठीक है, भगवान की कृपा है, कोई दिक्कत नहीं, व्यापार को बढ़ाना है. अब मेरा मन कर रहा है कि व्यापार को ना, मैं आज मेरी एक दुकान है, मेरा मन कर रहा है मैं चार दुकान और खोल दूं. अभी इतना व्यापार है मैं संतुष्ट हूँ उससे, लेकिन अब आगे भी तो बढ़ना, बच्चे ही बड़े हो रहे हैं, उनको भी दुकानें खोल के देनी है, व्यापार बढ़ाना भी है. अब बात आती है बढ़ोतरी, अभी तक तो बात थी दर्द की, जब बात बढ़ाने की आएगी, इंक्रीज इन द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड फुलफिलमेंट गेन्स, गो टू वरुण पुष्पदंत एंड वरुण, पुष्पदंत एंड वरुण देवता फील्ड के ऊपर एनर्जाइज कैसे होगा, पहला काम तो रंग सफेद, दूसरा काम वहां पे लोहा दो, तीसरा काम वहां पे पिरामिड लड़का, चौथा काम वहां पे शनि की जोन तेल, शनि का मटेरियल तिल का तेल, सरसों का तेल का क्रस्कर या उसकी मटेरियल, पांचवी आइटम आप आती है विश पिरामिड की स्थापना, क्योंकि फुलफिलमेंट डिजायर फुलफिलमेंट का जो ना मैनिफेस्टेशन का जोन है ना, मैनिफेस्टेशन करो. अगली बात क्या आती है वहां पे, डियर, डियर क्या करता है, या चलो
दो बताता हूँ, दो में दो का अगर एट्रीब्यूट आप बताएं, एक डियर का और एक कैमल का एट्रीब्यूट बताएं। हाँ स्विफ्ट होगा ना सर, डियर स्विफ्ट बहुत तेजी से शिफ्ट, ऑन करता है कोई भी। शिफ्ट अप्रोच, हाँ स्विफ्ट अप्रोच, ठीक बात। कैमल स्टोर करता है वाटर, मतलब सैनिक की क्षमता, कैमल लंबी रोज रेसा घोड़ा, मतलब लंबी लंबी रेस का जानवर है, सहनशीलता बोल सकते हैं उसकी, लंबी रेस का है सहनशीलता। ना, कैमल जो है लंबी रेस का जानवर है। तो कैमल इंक्रीज स्टेमिना, कंटिन्यूस वर्क, प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा। डियर क्या करेगा, डियर हमारी जो वाइटल एनर्जी है जो वेस्ट हो रही है, जो हमारी पावर रिड्यूस कर रही है, उसको बैलेंस करेगा। इसलिए डियर जो है WNW में जाएगा, क्योंकि जोन तो वेस्ट की है लेकिन WNW पे जाएगा, क्योंकि हमें रीजनरेट करेगा वो। तो अब बात आई है इंसान, एक ये बात हुई कि इंसान को अपना विश आगे बढ़ानी है। दूसरी बात क्या आ सकती है, जब विश आगे बढ़ानी है तो उसको और थोड़ा सा काम, व्यवसाय ज्यादा अच्छी होगा। तो यहाँ पे अगेन हम वापस आएंगे कहाँ पे, जोन ऑफ एसोसिएशन, ईस्ट में जाएंगे, क्योंकि लोग चाहिए, लोगों के बिना व्यापार नहीं है। और ईस्ट के अंदर जाएंगे तो ईएमई को भी देखेंगे, पर्जन्य देवता फील्ड को भी देखेंगे। क्या पर्जन्य देवता फील्ड के ऊपर, क्या पर्जन्य देवता फील्ड के ऊपर व्यक्ति जो है, पर्जन्य की देवता फील्ड क्या करती है, प्रोडक्शन है। पर्जन्य की देवता फील्ड इट्स अ काइंड ऑफ इट्स अ प्रोडक्शन, यानी कि व्यक्ति उपजाऊ काम कर रहा है, मतलब ऐसा कुछ एक्टिविटी कर रहा है जहां से वो आगे बढ़े, विक्ट्री की तरफ बढ़े, अपने आप को भीड़ में से आगे निकाल ले, अपनी रेपुटेशन को बिल्ड कर ले और आगे निकल जाए, विन 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 केस काइंड ऑफ। तो वहां पे क्या करेंगे, एक सिंगल तलवार थोड़ी सी झुकी हुई लटका देंगे। क्यों, जैन और पर्जन्य की देवता फील्ड, ये नहीं की देवता फील्ड है, ये देवता फील्ड इंश्योर करेगी कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़िया है, हमारा प्रोडक्शन, हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़िया है और हम बड़ी भीड़ में जीत गए। तो जब इंसान बड़ी भीड़ में जीतेगा क्या करेगा, बाकी सब कटिंग करे आगे बढ़े। डजंट मीन कि कटिंग लाइक दिस, इट मीन्स कॉम्पीट करो आगे आगे बढ़िया, विच मीन्स दे नीड टू विन, दे देयर ओनली मोटिव इज टू विन, नथिंग एल्स, इज टू विन। एंड देन थोड़ा झुका हुआ तलवार WNEA की जोन के अंदर लगा दो, ठीक। तो उससे क्या होगा, ENEA की जोन एनर्जाइज हो जाएगी और ही इंश्योर दैट ही विल विन बाय, जीतेगा तो लोग आएंगे, कंपटीशन जीतेगा तो लोग बढ़ेंगे आगे, तो अपना पैसा आएगा, पैसा आएगा दुकान खुलेगी, नहीं तो दुकान खुलेगी नहीं। आसान तरीका। अब सारे काम हो गए, इंसान कहता है अब मुझे फाइनेंशियल बेनिफिट, अब मेरे को चाहिए, दुकानदारी की बात हो रही है ना, अब मेरे को चाहिए मार्केट में रेपुटेशन बन जाए मेरी बढ़िया सी, आई वॉन्ट बिल्ड रेपुटेशन, इमेज, मान सम्मान और रिकॉग्नाइजेशन, नेम फेम रिकॉग्नाइजेशन। अब बात आती है नेम फेम रिकॉग्नाइजेशन, तो नेम फेम रिकॉग्नाइजेशन कौन देगा, साउथ, साउथ की देवता फील्ड, साउथ की देवता फील्ड नेम फेम रिकॉग्नाइजेशन देगी। वहां पे क्या करेंगे, हाथी एक ऐसा जानवर है जो टिक के चलता है, जो अपनी अपनी चाल पे चलता है, मतलब वो कहता है तो कुत्ता भोंकता है तो भोंकता है, हाथी की चाल चलनी है, अपनी अपनी चाल चलता है। तो हाथी लाल रंग का, हाथी लाल रंग का साउथ में लगा दिया जाए फेसिंग सेंटर, दिस एंश्योर नेम फेम रिकॉग्निशन। अब व्यक्ति कहता है नेम फेम रिकॉग्निशन मिल गया, मेरा जो ब्रांड है ना वो लिफ्ट कर दो, उसकी सीढ़ी लगा दो, अब मेरा नाम बिकना चाहिए, अब मेरे पास नाम से लोग आने चाहिए और कहीं नहीं चाहिए, मेरे नाम
मेरी वैल्यू नाम से है, जैसे हमारी संस्था का नाम गुरुजी ज्ञान, नाम से लोग आने चाहिए। ठीक, तो क्या करें, एक 12 घोड़ों का, भागते हुए घोड़ों का एक सेट आता है, 12 घोड़ों का, 12 रेड हॉर्सेस, दैट इंडिकेट ब्रांडिंग एंड द ब्रांड बिल्डिंग एंड द मार्केटिंग, मार्केटिंग एंड ब्रांड बिल्डिंग। 12 घोड़ों का वो सेट जो है उसको मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग के लिए साउथ के अंदर लगा देते हैं, ताकि उसकी ब्रांडिंग हो जाए और मार्केट बिल्ड हो जाए। यहीं पे इंसान दो रेमेडी में से एक लगेगी है, तो यहाँ पे इंसान कहता है कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग तो ठीक है, वो तो मैंने बना लिया है, बट अब नाउ द फ्लो ऑफ वेल्थ इज टू बी स्पीड अप। हमें चाहिए पैसे की तेजी चलनी चाहिए, पैसे का सर्कल तेज आना चाहिए। मार्केटिंग ब्रांड बिल्डिंग तो हमने कर ली अपनी, वो तो हमारी है ठीक ठाक, बट पैसे की जो रोटेशन है ना वो स्पीड अप होनी चाहिए। अब उसकी जगह क्या करना है कि 12 घोड़ों का सेट हटाओ, 2 घोड़े का सेट लाल रंग का लगाओ, 12 वाला घोड़ा हटाओ, 2 का जोड़ा लाल रंग का वहीं पे लगा दो, एंड दैट इंश्योर द स्पीड इन द फ्लो ऑफ वेल्थ आल्सो द फेम, आल्सो द फेम, दिस विल इंश्योर फेम, फेम मतलब मान सम्मान। तो दिस विल हेल्प टू क्रिएट इट। अब इंसान बोलेगा कि भैया धंधा पानी तो बहुत बढ़िया है, नजर ना लगे किसी की, किसी की नजर ना लगे भाई, नजर से बचाइए, तो उसे गेट का चिपका दो पहला काम। तो स्वास्तिक, स्वास्तिक हैज द मोस्ट कॉस्मिक पावर इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स। जितने भी सिंबल्स आप पढ़ते हो, आपने डिफरेंट डिफरेंट मैथोलॉजी में डिफरेंट डिफरेंट सिंबल पढ़े, रेकी में और बाकी चीजों में भी पढ़ेंगे, ऑल सिंबल्स आर वेरी गुड, हाउएवर स्वास्तिक इज वन ऑफ द सिंबल, क्योंकि हम रिलेट भी करते हैं इस सिंबल से, डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस में रजिस्टर्ड है ये, एंड इट्स वन ऑफ द वेरी पावरफुल सिंबल। ब्रास वाला स्वास्तिक, जिसके ऊपर ब्रास बने होते हैं स्वास्तिक पे, मतलब ब्रास का मेटल होता है, सॉरी पिरामिड बने होते हैं स्वास्तिक पे, पिरामिड वाला स्वास्तिक ब्रास के मेटल से बना हुआ, मेन मुख्य द्वार के 2 साइड लगवा, अगर 2 मुख्य द्वार है तो उसके 4 लगेंगे, एक ही मुख्य द्वार है उसके दोनों साइड लगा, एक काम तो ये। दूसरा नजर दोष के जो उपाय हैं, काफी सारे मैंने आपको पहले ही बताया नजर दोष कैसे होता है, नमक पहले सारी चीजें मैंने पहले बताई हैं, उसके अलावा और क्या कर सकते हो, तोरण आते हैं, तोरण, तोरण को उसके लगवाओ गेट पे, एंश्योर तोरण में गणेश जी की फोटो ना हो, गणेश जी बाहर दरवाजे में लटकने के लिए नहीं है, तोरण लगवाओ उसके गेट पे। अब नजर दोष किसी प्रकार की चीजों से ना हो, एक पक्वा मिरर आता है, पक्वा मिरर, पक्वा मिरर, पक्वा मिरर, उसमें क्या होता है, उसमें शीशा होता है, कन्वेक्स शीशा गोल वाला, वो दरवाजे पर रखता है ताकि जो नेगेटिविटी आ रही है वो वापस चली जाए। अगर तो इंसान को लगता है नेगेटिविटी दाएं बाएं आ रही है, तो 2 लगवा दे, 2 डायरेक्शन करके, ताकि जो आए वो वापस चली जाए। पक्को मेरा घर के अंदर नहीं लगता, ध्यान रखना, क्योंकि एनर्जी रिफ्लेक्शन है ये, एनर्जी रिफ्लेक्शन घर के अंदर से नहीं होती, घर के बाहर होती है। तो उसका उसका घर सिक्योर। अब बात आती है और थोड़ा कहता है जी हमारे यहाँ तो ब्लैक मैजिक की समस्या होनी शुरू हो गई है आजकल, नजर लगनी शुरू हो गई किसी किसी की। तो जो आईआर यूपी पीवाई बीवाई का मैं काम किया था पीछे, उसकी अपनी अपनी रॉड्स होती आती है, आईआर मतलब नजर दोष, बंधन दोष, टोना टोटा, इनकी अपनी रॉड होती है, उन रॉड को उसके गेट पर लगवा दो, जैसे मैंने दिखाई भी थी आपको, अपना गेट दिखाया था, गेट पर रॉड लगवा दो। और यंत्र आते हैं अब इंसान कहता है जी
हमारे ना कैश की सेल नहीं आ रही, मतलब टेबल सेल कम है हमारे में, ऑर्डर वॉर्डर तो बहुत आते हैं पर टेबल में सेल नहीं है इनकी। हमारी हमारी गल्ले का सेल जो है वो बढ़ नहीं रहा। दो चीज गल्ले के अंदर, गल्ले का एक पिरामिड जो विश पिरामिड है उसी को ही स्थापित कर दो, विश पिरामिड को ही गल्ले के अंदर। सबसे अच्छा विश पिरामिड से मल्टी पर्पज विश पिरामिड होता है, गल्ले में स्थापित कर दो विश पिरामिड। एक बात विश लिख के, दूसरी बात टेबल मैक्स आता है, टेबल मैक्स जो टेबल के नीचे से लगता है उसमें ग्रिड बनती है, मतलब जैसे लोशो की ग्रिड होती है नंबरों की, वैसे टेबल मैक्स में ग्रिड होती है, ठीक है। उस ग्रिड को देख के मतलब उस ग्रिड में, जैसे मैं आपको बताऊं ये ग्रिड के अंदर कि आप टेबल को नॉट डिवीजन कर दो टेबल से, जब आप टेबल के नॉट डिवीजन करेंगे लोशो ग्रिड के अनुसार कर दें आप, ठीक है। और आप टेबल में बैठ गए एक साइड, जब आप टेबल में बैठेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर चार नंबर आएगा, आप बना के देखिए सब लोग अपने अपने, एक बार कोशिश करके देखें। टेबल पे मैं आपको यहाँ पे ग्रिड एक बार मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ, तो आपको इजी रिलेट होगा। टेबल है और ये आपकी सीट है। अब टेबल पे मैं अगर टेबल मैच लगाता हूँ, अगर मैं टेबल पे ग्रिड बनाता हूँ मान लो, तो ये मेरी ग्रिड बनी ऐसे, दो सौ ग्रिड बना रहा हूँ, सबको आती होगी वैसे, नहीं तो एक बार फिर आते नंबर आप देख लेना, ठीक है। ये बन गया, तो ये टेबल, ये ग्रिड बन गई है और इनके इसके अंदर बाकी नंबर का मैं मीनिंग नाम बता दूंगा आपको। इसके अंदर इस कॉर्नर को ये वेल्थ है, तो आपके यहाँ पे आप बैठे तो आपके यहाँ से लेफ्ट कॉर्नर बनेगा, लेफ्ट कॉर्नर बना आपके यहाँ से बैठ, आप अपने आप में देख ले सब बना के, ये लेफ्ट कॉर्नर बनेगा। लेफ्ट कॉर्नर का जो नंबर रहेगा चार नंबर, ये वेल्थ है, दिस इज वेल्थ। बाकी नंबर का मीनिंग क्या मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल हम बिजनेस की बात करें तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे टेबल मैक्स एक आता है, अगर टेबल मैक्स लगाया जाए तो टेबल की एनर्जी को लिफ्ट करने में हेल्प करता है टेबल मैक्स, ठीक है। तो टेबल मैक्स लग गया, अब टेबल की एनर्जी बढ़ गई, अब सारा काम चालू हो गया उसका। अब बात आती है कि जब काम सारा चालू हो गया तो क्या होगा, काम चालू होने के बाद फैमिली जाएगी, भाई अब व्यक्ति का काम भी चल गया, धंधा पानी भी सब कुछ ठीक ठाक है, अब इसकी शादी करो, ठीक है। अब शादी के लिए सबसे पहले तो ये रिश्ता कहां से आएगा, रिश्ता देता आर्य मा, क्योंकि आर्य मा है करेक्शंस नेटवर्क, तो आरएमए की एक्सटेंडेड फ्यूज जो आती है उसमें आता है E4 महेंद्र सूर्य, जयंत महेंद्र सूर्य, सत्या तो होगा गुडविल, कि आपकी गुडविल कैसी है इंसान की, इंसानी गुडविल अच्छी है या वीक है। अगर तो गुडविल वीक है तो स्ट्रांग कर लो, कैसे, वहां पे गुडविल पे एक रैबिट का जोड़ा लगा दो, सफेद रंग के रैबिट, उस पर लाल रंग का धब्बे से पड़े हुए, उस पर खरगोश, उसका जोड़ा लगा दो, अपनी गुडविल को बिल्ड कर लो पहले तो, या काम देनु गाय लगा दो वहां पे ग्रास की। सूर्य के लिए आपको पता ही है, सूर्य के लिए सूर्य की प्रतिमा लगा सकते हैं, सूर्यदेव की जो प्रतिमा रथ के ऊपर भागते हुए की है वो लग सकती है, या सूर्यदेव का एक ब्रास का सूर्यदेव आते हैं वो लग सकते हैं। जयंत के ऊपर, महेंद्र के ऊपर, वैसे महेंद्र के ऊपर अगर सूर्यदेव की रथ वाली प्रतिमा लगा तो महेंद्र के ऊपर ज्यादा इफेक्टिवली काम करती है, तो महेंद्र पे लग सकते हैं। तो हमारा वो जो जोन है हाउ इज इट, वो उसको बिल्ड कर लो पहले तो, क्योंकि आर एम ए का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, अगर आर एम ए वीक है तो वीक होगा,
आरएमए को बिल्ड करो, डेव डिप्स की बात करेंगे, डेव डिप्स की बात बाद में आएगी, तो पहले तो लोगों को इकट्ठा कर लो। अब लोगों को इकट्ठा करने के बाद आएगी बात, क्या पितृ आशीर्वाद मिल रहा है तो जाओ साउथ वेस्ट में दोबारा, तो वापस साउथ वेस्ट में जाओ, साउथ वेस्ट को बैलेंस करके लाओ, एंटी एक्टिविटी वहां से डाओ और उसको बैलेंस करो, साउथ वेस्ट को एनर्जाइज करो। नहीं मिल रहा तो पितरों की एक्टिविटी चालू हुआ, उस व्यक्ति से पितृ पूजा करवाओ, पितर की एक्टिविटी चालू हुआ ताकि पितर आशीर्वाद आए, क्योंकि पितर आशीर्वाद बहुत जरूरी है फैमिली ग्रोथ के लिए, नहीं तो अड़चने आएंगी बहुत सारी और बॉन्डिंग नहीं बनेगी, फैमिली में लड़ाई झगड़े बहुत सारे होंगे। जब सारे काम ये काम हो जाए, अब बात आती है ऑस्पिशियस सेरेमनी। ऑस्पिशियस सेरेमनी देती है अग्नि, अग्नि का वास ऑस्पिशियस है और अग्नि का मिलेगी साउथ ईस्ट में, तो साउथ ईस्ट को एनर्जाइज करना वहां पे जरूरी है, साउथ ईस्ट की एक्टिविटी को सेट करना जरूरी है, क्योंकि अब ऑस्पिशियस की बारी है। तो बात आएगी आकाश और अनिल की। आकाश और अनिल, अनिल है आग, उड़ती ऊंची जाती हुई आग जो हमेशा ऊपर जाती है, आग कभी नीचे जाती नहीं, आग ऑलवेज गो अप। और आकाश की देवता फील्ड स्काई, और इसके बीच में अग्नि जो है ना भरपाई का काम करती है, क्योंकि अग्नि ही एकमात्र ऐसा आधार है जो ऊपर उठता है, ऊपर। तो उस देवता फील्ड को एनर्जाइज करो, उस जोन को एनर्जाइज करो, तब आएगा ऑस्पिशियस टाइम। अभी शादी भी हो गई, चलो फैमिली बना लेते हैं, फैमिली अच्छी है, तो फैमिली के लिए पहले क्या होगा, सबसे पहले फैमिली अगर आ रही है तो व्यक्ति को फैमिली कॉन्सीव चाहिए होगा, अगेन कम्स फ्रॉम दिस आशीर्वाद ऑफ साउथ वेस्ट। पितृ, दूसरी बात, क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत आ रही है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये नहीं प्रजनन की देवता फिर रिप्रोडक्शन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही सेट इट राइट, अगर नहीं है तो वहां से दिक्कत आएगी। अगर वहां पे वॉशिंग मशीन है तो अबॉर्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ा देगा बार बार। दूसरा अनिल की, आकाश की देवता फिर, अनिल आकाश की देवता फिर, अगेन दैट आल्सो इंपॉर्टेंट रोल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल फॉर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। और फाइनली आएगा अब पुषा की देवता फील्ड। पुषा की देवता फील्ड क्या है, पुषा की देवता फील्ड है न्यूट्रिशन, माँ मातृत्व, क्योंकि किसी बच्चे के बनने में प्रॉपर न्यूट्रिशन आहार की जरूरत पड़ती है, नहीं तो बच्चा बनेगा नहीं, ठीक, नहीं तो इनकम्प्लीट रह जाएगा। अब अगर इसमें दिक्कत है तो फिर दिक्कत क्या हो सकती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि व्यक्ति SSW में सो रहा हो, SSW क्या है, डिस्पोजल, तो पता चला कंसीव ही नहीं हो रहा या अबॉर्शन हो रहा लगातार, या व्यक्ति अपने बैलेंस आपा हो रहा है बार बार, कहीं ऐसा तो नहीं है WNW में या ESC में सो रहा हो, ESC में फिर भी टिक जाएगा पर WNW में दिक्कत हो सकती है। इससे पहले एक टॉपिक में रह गया कि पता चला जब शादी हो गई तो रिलेशनशिप ही नहीं बैठ रहे, उसी में लड़ाई हो रही है, तो रिलेशनशिप का जोन एक बात जोन है इंपॉर्टेंट, वो है NNW। क्या NNW बैलेंस है, क्या NNW रिलेशनशिप को अप्लाई कर रहा है और NNE भी देता है, दोनों देते हैं, NNW भी देता है NNE भी देता है, तो क्या ये कि NNE के ऊपर ही नाग देवता फील्ड है, भुजन की देवता फील्ड है ना NNE, हाँ या ना, यस, तो भुजन भी नाग है, तो क्या NNE सही बैठा है और NNW सही बैठ रहा है, रिलेशनशिप आ गए, अच्छा है, फैमिली बिल्ड हो गई,
यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देते हैं, अब और जिंदगी चलेगी। बहुत बढ़िया सब। अब इंसान बोलेगा भाई मेरे बच्चे हो गए, अब मुझे बच्चों को बाहर विदेश भेज रहा पढ़ाने के लिए, अभी कहानी बाकी है। यस सर। अब बच्चों को भेज रहा विदेश पढ़ाने के लिए, पहले तो विदेश भेजने से पहले तो कहेगा मेरी बेसिक एजुकेशन हो जाए, बच्चों की स्कूलिंग हो जाए, अच्छा स्कूल मिल जाए। सबसे पहली फाइट तो है कि अच्छे स्कूल पे, आज का स्कूल मिलना बड़ा मुश्किल, स्कूल चाहिए, विश नॉर्थ वेस्ट, स्पोर्ट नॉर्थ वेस्ट, स्कूल का नाम नॉर्थ वेस्ट, मुझे दिल्ली पब्लिक स्कूल में एडमिशन करवाना है, डीपीएस नॉर्थ वेस्ट। कहां साथ में क्या चाहिए, कनेक्ट किसका, लोगों का, कहां से, ईस्ट से, कैसे लोग, दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट की पिक्चर अपने बेटे के साथ ईस्ट में, गूगल से ढूंढो निकालो गूगल से। अब जो भी मतलब जो भी रिक्वायरमेंट हो सकती है टाइप पॉइंट ऑफ सेइंग, उन लोगों का समूह जिनसे कनेक्शन बनाना है उनके समूह के साथ अपनी पिक्चर या जिसकी पिक्चर घुसानी अंदर, उसको क्लास शेप के अंदर घुसाओ, आजकल टेक्निकली ये सब साउंड है, और ईस्ट में कहां पे महेंद्र की देवता फील्ड पे पोजीशन कर दो, या जयंत की देवता फील्ड पे भी पोजीशन कर दोगे तब भी काम होगा। यहां तक बात आई सब क्लियर। अब एडमिशन हुआ, एडमिशन में आजकल टेस्ट होता है, टेस्ट में मेमोरी आ जाती है, तो बच्चे को जो सिखा रहे हो बिठा के, या तो WSW में बिठा के सिखा लो, या WSW वो चीज रख दो जो वो सिखा, जो उसको सिखा रहे हो, जिसको ABCD वाली किताब सिखा रहे हो वो ABCD वाली किताब वहां पर रख दो, उसका नाम लिख के उसकी फोटो लगाओ, एनर्जी को भी तो समझ आना चाहिए किसके लिए कर रहे हो ये। और एक एजुकेशन पिरामिड आता है, एजुकेशन पिरामिड पे उस बच्चे की तीन फोटो लगेंगी, तीन तीन लगती है उसमें फोटो, डिजाइन है वो, तो एजुकेशन पीरियड में उसकी बच्चे की तीन फोटो लगा के जिस टेबल पे जिस जगह पे बच्चे को पढ़ा रहे हो उस टेबल उस दीवार पे लगा दो, अब बच्चा पढ़ेगा तो स्कूल में आ गया, स्कूल भी आ गया बढ़िया चलो हो गया, अब विदेश आएगा, जिस कंट्री में जाना है, अगेन नॉर्थ वेस्ट का बहुत बड़ा रोल है, समझ रहा बात, जिस कंट्री में जाना है सरकार से वीजा चाहिए, और उस सरकार से सामने वाली सरकार से भी सपोर्ट चाहिए, जो भी वीजा वीजा चाहिए होगा, तो अपने से भी अपनी सरकार से भी चाहिए, सामने की सरकार से भी चाहिए, दोनों सरकार से चाहिए, तो अपनी सरकार का क्षेत्र सूर्य ईस्ट, दूसरा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वो सपोर्ट का जोन ही है डिफॉल्ट, तीसरा सामने वाली सरकार मान लो कनाडा, आजकल हॉट जोन कनाडा ऑस्ट्रेलिया ही है हॉट जोन, कनाडा ऑस्ट्रेलिया का सरकार का जो चिन्ह है, जैसे हमारा अशोका पिलर अशोका स्तंभ हमारा, तो उनका भी कुछ है, तो उसका एम्बलम निकाल के नॉर्थ वेस्ट में लगा दो, अशोका स्तंभ तो प्रॉपर लगा दो, अशोका पिलर मिल जाता बाजार में, अमेजोन में मिलता 500-700 का मिलता, उसको लगा दो, दो मंगवाओ, एक ईस्ट में लगा दो और एक नॉर्थ वेस्ट में, साथ में उसकी फोटो भी लगाओ ताकि उस रिलेट करो चीजों को, और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं जो सपोर्ट करते हैं बाहर जाने में, उस सारे डॉक्यूमेंट को सफेद रंग की फाइल में बना के नॉर्थ वेस्ट में भेज दो ताकि उसको पावर मिल जाए। नॉर्थ अशोका पिलर जो होता है दैट रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के अशोका पिलर दैट रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट। अब अशोका पिलर कोई नहीं लेके ले आ पाए तो भाई अशोका पिलर में की फोटो लगा ले, अशोका पिलर की फोटो भी नहीं मिल रही तो अशोका पिलर का जो चक्र बना होता है चक्र लगा ले, अशोका पिलर में चक्र बना होता है ना डंडी वाला साइकिल टाइप, है ना, क्या बोलते हो चक्र का नाम पता नहीं, अशोक चक्र, अशोक चक्र राइट, अशोक चक्र वो लगा लो, बट जितना प्रॉपर लगाओगे उतना बेटर। ये क्या करेगा, दिस एस्टैब्लिश वन आइडेंटिटी एंड हेल्प गेटिंग दी सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसको लगाना कहाँ है, जमीन पे या छत पे,
टेबल पर, और जो फेस होगा उसको हमेशा सेंटर की तरफ, ऑलवेज पोजिशन एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू द फेसिंग सेंटर ऑफ द हाउस बाय डिफॉल्ट। अशोका स्तंभ जो है रिप्रेजेंट करता सरकार को, तो मतलब सूर्य को, मतलब फायर एनर्जी है, तो फायर एनर्जी, तो सरकारी अधिकारी से फायदा या सरकारी सिस्टम से फायदा लेने की कोशिश है। जब भी सरकारी सिस्टम से फायदा लेने की कोशिश हो तो ये ध्यान रखो सरकारी सिस्टम को भी एनर्जाइज करना ईस्ट में जाके, और अपॉर्चुनिटी जोन को भी एनर्जाइज करना। पता चला अपॉर्चुनिटी जोन ही ढीली है, सरकार कह भी नहीं चल रही अपॉर्चुनिटी जोन से, अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, ढीली है अपॉर्चुनिटी जोन, तो उसको भी एनर्जाइज करो। कैसे एनर्जाइज होगी अपॉर्चुनिटी जोन? नॉर्थ है वो, नॉर्थ कैसे होगा? या तो ग्रीन लैंडस्केप लगा दो, या नहीं तो वहां पर भी एक अशोका स्तंभ लगा दो। अपॉर्चुनिटी सरकार से जनरेट करनी है, एक स्पेसिफिक है ना यहाँ पे, इट्स वेरी स्पेसिफिक, इधर उधर दाई बाई नहीं है, जनरल नहीं है, ये बड़ा स्पेसिफिक है रिक्वायरमेंट, देन ओनली, नहीं तो लैंडस्केप लगा दो ग्रीन वहां पे। बच्चा चला गया, सब काम हो गए। अब जैसे जैसे इंसान बड़ा हो जाता है तो उसका दिल करता है कि मैं जो ना थोड़ा पॉलिटिकल बन जाऊं, ठीक है। अब क्योंकि अब बच्चा जब चला ही गया तो टाइम भी फ्री हो गया ना, अभी टाइम कहीं पे तो इन्वेस्ट होगा, तो कहाँ होगा? नगर पालिका में इन्वेस्ट होगा। अब नगर पालिका में इन्वेस्ट होगा तो लोगों के साथ कनेक्ट बनेगा, तो धीरे धीरे इच्छा करेगी कि भाई हम जो है थोड़ा सा शतरंज की तरह माफिक जो है हम जो चाल चले और हम भी थोड़ा लीडरशिप बन जाए। तो जो चेस है उसको नॉर्थ में लगा दो, चेस को वहां पे लगा दो, क्योंकि चेस क्या है, चेस इज ए, चेस को कैसे बोलेंगे, चेस इज ए इट्स लाइक चेस हैव अ विनिंग शतरंज की चाल है, शतरंज की चाल, शतरंज की चाल है, ठीक है। चौपाड़ बोलते हैं, चौपाड़ बोलते हैं, चौपाड़ ये राइट टाइम पे राइट प्लेसमेंट और राइट हिट करने के योग कार्य करेगी। राइट टाइम पे राइट जगह पे राइट हिट, अपने सारे रिसोर्स स्किल सेट नॉलेज को लेके उस टारगेट को अपॉर्चुनिटी को हिट करेगी। और चेस भी जो है ना एक क्षमता है, बाय डिफॉल्ट क्षमता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की, क्योंकि चौपाड़ है तो काम भी यही है शतरंज की चाल, उसके अंदर राजा और सिपाही चलते हैं, तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उसमें बाय डिफॉल्ट है। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को क्रिएट करने की कोशिश करेगी, और इसको लगा खा सकते हैं, इसको आप दीवार पे हैंगिंग तो रखती नहीं, या तो टेबल पे लगती है, तो टेबल पे उसको सजा दो, सुंदर सी लाओ एक चौपाड़ और तरीके से सजा दो। अभी चेस के अंदर एक खास बात ये होती है, चेस में जो है ना डब्बे बने होते हैं काले काले सफेद रंग के, वो जो डब्बे होते हैं ना वो केतु है, वो केतु है, लेकिन उसका एलिमेंट जो है वहां पे वो वाटर है, इसलिए वो जो है वो अच्छा काम करती है, एंड इट गिव्स मान सम्मान रिकॉग्निशन। जहां बात नॉर्थ की आती है, इधर यू पुट इट इन द नॉर्थ जोन में लगा दो, चाहे आप तो बल्लाट पे लगा लो, चाहे मुखिया पे लगा लो, बल्लाट पे लगा लो, या चाहे आप सोम पे लगा लो, चेस काम इन्फ्लुएंस करेगी, बल्लाट पे लगा लो काम करेगी। इसके साथ भी जब भी चेस लगाओ, तो चेस आपने लगा ली है तो क्योंकि चेस आपको एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगी, एक एनर्जी क्रिएट करती है चेस के अंदर क्षमता, तो उस एनर्जी को बैलेंस आउट जरूर, किसी भी चीज को लगा के उसका बैलेंसिंग एक्ट जरूर करें। क्या बैलेंस करेगा? उसको बैलेंस करेगा उसकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट को एनर्जाइज अगेन करो। कैसे करोगे? आपके वक्त अच्छा है ऑलरेडी, आप पिरामिड से कर सकते हो, साउथ ईस्ट का वेल्थ पिरामिड आता है, वेल्थ पिरामिड लगा लो साउथ ईस्ट का, ठीक। पायरन बिजनेस करके, पायरन करके आता है वो लगा लो, नॉर्थ के अंदर पायरन बिजनेस करके आता है, नॉर्थ का पायरन बिजनेस वो लग सकता है, पिरामिड हर जगह के आते हैं, वहां जाकर पिरामिड लग सकते हैं, एक मोटी बात यह। तो साउथ ईस्ट को अगेन चैनलाइज करो, ऑरेंज कलर करो, वहां पर रेड बल्ब जा सकते हो, अगर छोटा है तो रेड बल्ब ध्यान रखना, छोटा है तो, बड़ा है तो नहीं लगाना, ऑरेंज कलर कर सकते हो, और बड़ा है छोटा दोनों केस में ऑरेंज कलर कर सकते हो, वो बैलेंसिंग कलर उसका सेल्फ होगा, कोई दिक्कत नहीं, वो कर सकते हो, तो वो एक्टिविटी वहां पे किया सकती है।
यहाँ तक की एक्टिविटीज हो गई। अब जैसे जैसे इंसान बड़ा होगा हरी बीमारी आएगी, तकलीफ दर्द दुख समस्याएं, तो क्या होगा, तो उसको बीमारी से इलाज चाहिए, हीलिंग चाहिए। हीलिंग क्या कौन देगा, हीलिंग देगा एनएनई। एनएनई में क्या कर सकते हो, सबसे बढ़िया जो क्या बोलते हैं त्रेता युग, समुद्र मंथन त्रेता युग का है ना, समुद्र मंथन का जो फीचर है वो त्रेता युग का है ना, नहीं द्वापर युग का है, द्वापर युग है ना भगवान श्री कृष्ण का युग का, उन्होंने ही तो हम क्या किसका त्रेता युग का है शायद, त्रेता युग का है। एनीवे खैर इससे मतलब नहीं है, द पॉइंट ऑफ सेइंग समुद्र मंथन में धन्वंतरी जी की उत्पत्ति हुई, उस धन्वंतरी जी की उत्पत्ति से कलश आया जो कि अमृत कलश है। तो अमृत कलश देवता को अमृत देता है ताकि वो जीवित रहे, सदा जीवित रहे, वो सोम रस, वो अमृत रस, डॉक्टर ऑफ ईस्ट हीलिंग। तो भगवान धन्वंतरी जी की कलश के साथ फोटो स्टैब्लिश करो नॉर्थ और ईस्ट में, अपना मेडिसिन का डब्बा नॉर्थ और ईस्ट में रख लो, अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स जब तक हीलिंग नहीं होती तब तक नॉर्थ ईस्ट में रख लो, जब हीलिंग हो जाए तो उसको वहां से शिफ्ट कर दो, नाउ यू आर हील यू आर गुड, तो शिफ्ट करके उसको जो तरह तो डिस्पोज ऑफ कर दो, अगर फिर भी उसको रखनी पड़े मान लो तो उसको रख दो WSW में जाके धर दो रिटेंशन, WSW से जोन ऑफ रिटेंशन वहां पे जाके धर दो, बट हीलिंग के टाइम पे डालो एनएनई टिल द हीलिंग इन बिटवीन। अगर मान लो वैसे तो इसकी रेमेडियल पार्ट में आता ही है बट मैं जनरली एडवाइस नहीं करता, बट लॉइन, लॉइन में एक पावर होती है, में एक पावर होती है वो स्ट्रेंथ देता है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत है, उसमें एक मजबूती है, वो एक स्ट्रांग है, वो एक प्रोटेक्शन है, साथ में वो रॉयल भी है और ट्रस्टफुल भी है। तो वो जो पावर देता है उसको पावर को आप लॉयन को एक अच्छा ऐसा लॉयन जो खिलखिलाता हुआ हो, खिलखिलाता हुआ लॉयन, उसको आप नॉर्थन पीस में रख लो। लॉइन जो है जानवर जब भी आएंगे ना बात वो हमेशा फ्लोर पे रखे जाएंगे, जब भी देवता आएंगे ना वो हमेशा 6 फुट के हाइट से ऊपर जाएंगे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आएंगे ना वो टेबल पे जाएंगे, ये स्टैंडर्ड है। तो उसकी जो हमेशा जो फेसिंग होगी वो सेंटर की तरफ आएगी, तो उसके नॉर्थ और ईस्ट में रखा, सेंटर में रखा। लॉयन का जो प्लैनेटरी इफेक्ट है वो अर्थ है और जुपिटर है, वो अर्थ है और जुपिटर है प्लैनेटरी इफेक्ट उसका लॉयन का, ठीक है। और लॉयन जो है जब लॉयन की प्लेसमेंट की जाए, ओवर मैं वैसे अवॉइड करता हूं कि जानवर की प्लेसमेंट घर में की जाए, बट फिर भी तकलीफ आती है की जा सकती है, तो लेकिन लॉइन की प्लेसमेंट करते समय इस चीज का ध्यान रखें कि लॉइन जो है बिजनेस की प्रोडक्शन भी होती है, ट्रस्ट भी होता है, तो बिजनेस की प्रोडक्शन के लिए कुबेर देवता को भी स्थापित करें नॉर्थ की देवता फील्ड में, सोम की देवता फील्ड में, ये इसकी क्रॉस रेमेडी है, ये जरूर है, ताकि न्यू अपॉर्चुनिटी बनी रहे। अब इसके बीच में कुछ रेमेडी जो शायद जैसे ज्यादा आ रही है, मान लो हस्बैंड वाइफ में बनी नहीं रही थी, नई नई शादी जब हुई टकराव शुरू हो गया, शादी वादी तो सब हो गई थी, मान लो बच्चा भी हो गया तो टकराव शुरू हो गया, सपोज दिक्कतें बढ़ रही हैं, फैमिली बॉन्डिंग टूट रही है, वीक हो रही है, तो फैमिली बॉन्डिंग का जोन साउथ वेस्ट और स्पोर्ट का जोन नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट में तो लगा दो सास ससुर की फोटो, एक ग्रुप फोटो में, मतलब लड़के के साथ ससुर, क्योंकि परिवार लड़के की साइड से बिगड़ रहा है तो लड़के के सासुर ताकि वो स्पोर्ट फैक्टर में आए आगे,
और साउथ वेस्ट में लगाओ अपनी जोड़ा जोड़े की फोटो, या फिर साथ में एक एक ग्रुप फोटो माता पिता के साथ और अपनी एक ग्रुप फोटो, ताकि बॉन्डिंग मिल जाए, ताकि करेक्ट बना रहा है। और कुछ भी ना मिले तो सबसे मजबूत जोड़ फेविकॉल का जोड़, फेविकॉल का जो डब्बा साउथ वेस्ट में रख दो, सबसे मजबूत जोड़ है ना, हर चीज रेमेडी बनाती है, सिर्फ देखने का नजरिया चाहिए। अपनी फोटो लगाओ, अपने परिवार की फोटो लगाओ, और कुछ नहीं अगर सुंदरता चाहिए तो लवबर्ड्स आते हैं बाजार में, लवबर्ड्स वो लाओ और उसको लगाओ, लवबर्ड्स इंडिकेट्स लव रिलेशनशिप्स। लवबर्ड जो है शुक्र को और बुध को दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, शुक्र उसमें फीमेल पार्ट और बुध उसमें मेल पार्ट। बुध को राजा प्रिंस बोला गया, शुक्र को बुध बुध बोला गया, तो शुक्र और बुध दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको जाके साउथ वेस्ट में पोजिशन करो, और एयर स्पेस इसका एलिमेंट होता है। बट व्हेन यू डू दैट साउथ वेस्ट में इसकी पोजिशनिंग, नॉर्थ ईस्ट को जरूर एनर्जाइज करें, नॉर्थ ईस्ट को जरूर एनर्जाइज करें। नॉर्थ ईस्ट को एनर्जाइज करने का तरीका क्या हो सकता है, वहां पे अपने गुरु की फोटो या वाटर फाउंटेन नॉर्थ ईस्ट की रेमेडियल पार्ट लगाए यूज करें। एक अमृतस्य पुत्र का गूगल करोगे तो फोटो मिलेगा, अमृतस्य पुत्र, अमृतस्य पुत्र 51 का भी आता है, 48 का भी आता है, 51 वाला निकालना गूगल में मिलेगा, कोई करके भेज देगा ग्रुप से, नहीं तो मैं भेज दूंगा। उसका कलर फोटो निकालो, 51 वाला कलर है, 48 वाला ब्लैक एंड व्हाइट है, तो 51 वाला निकालो, वैसे कलर किए गए कलर है, उसमें इतने ब्राइट नहीं है बट ठीक ठाक है। उसका सर, किस चीज का? अमृत, अमृतवस्य पुत्र, अमृतवस्य पुत्र, हाँ का फोटो सर, पूजा भेजना पड़ेगा। हाँ का फोटो गूगल से मिल जाएगा, 51 का भी आता है, 48 का भी आता है, 51 वाला निकाले। नंदी जी आपकी आवाज म्यूट है, ठीक है। उसको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में पोजीशन करें, फ्रेम करें ब्यूटीफुली और नॉर्थ ईस्ट में पोजीशन करें। ये जो रेमेडियल पार्ट मैं बता रहा हूँ, ये 3D या 2D रेमेडियल पार्ट है। आई अंडरस्टैंड कि आपको ऑलरेडी कलर मेटल और पिरामिड की रेमेडियल पार्ट क्लियर हो चुका होगा, शिफ्टिंग भी हमने करी है, हमने काफी सारी करी थी शिफ्टिंग, ठीक है, तो वो क्लियर हो गया होगा, किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेना। सर जैसे अक्सर, हाँ सर, अक्सर घरों में जो वास्तु दोष होता है नॉर्थ ईस्ट में, किचन या टॉयलेट होता है, तो हम नहीं लगा सकते ना सर ये रेमेडी सारे में, सारे में अगर ये आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा बट अगर कुछ जगह बची है तो लगा लो सर। अगर वो बैक स्टोर है या बालकनी है, मतलब लेकिन ऊपर से छत है उसमें, तो लगा सकते हैं। देखो भर्तिका जी, कोई भी रेमेडी करने के लिए कोई इसका ऐसा कोई मतलब स्पष्ट रूल की जगह पे ये ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि क्या हमारी एक्सेप्टेबिलिटी बन रही है, क्या नहीं सर, वो आप कर रहे हैं तो हो जाएगा। नहीं हाँ, वो नहीं कर पा रहे, हाँ हमने बाहर वॉल पे टांग दिया, हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बार बार ये आ रहा है, अरे ये तो टॉयलेट की वॉल है, अरे ये तो किचन की वॉल है, तो भैया मत करो। नहीं सर, आपने एक बार बोला था ना किचन और टॉयलेट में हम रेमेडीज नहीं करते हैं, तो फोटो कितनी इंच होती है, 5x5 की फोटो आती है, कितनी सी फोटो होती है, A4 साइज की फोटो होती है, कितनी सी फोटो होती है, अगर A4 मतलब लगा भी नहीं है तो छोड़ दो, मतलब वॉल पे लगा सकते हैं उनके बाहर, आउटर वॉल पे, या लगेगी, मेरा मतलब है किच बाथरूम की वॉल पे लगा सकते हैं, किचन और बाथरूम की वॉल पे। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, ये डिसाइड आप ही करोगे, कमांडर सीट पे आप बैठे हो, तकलीफ आपकी है,
और एज ए कंसल्टेंट ऑन द साइट ये देखते हुए डिसाइड किया जाता है कि क्या इस जगह पे रेमेडियल पार्ट देना भी है या नहीं देना देना है। अगर टॉयलेट आ रहा है तो अब तो सब की रेमेडी देनी किस लिए है, टॉयलेट की रेमेडी जाएगी ना वहां पे। तो टॉयलेट को हटाओ ना वहां से। अब अमृतसर से कुछ की रेमेडी क्यों है? द रीजन इज दैट टू मेक सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रॉन्गर। वहां पे सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? अमृतसर पुत्र में क्या है, जितने भी पुराने ऋषि मुनि महर्षि आए हैं या जो विद्वान रहे हैं पहले, उनकी फोटो है उसमें। जैसे साईं बाबा रहे, इस टाइप से जो संत आए, कबीर साहब आए, इनकी गुरु नानक देव जी आए, उनकी फोटो है वो सारी। जैसे सेट ऑफ 51 महापुरुष देना क्यों है वो? सर, हाँ सर, अगर टॉयलेट नहीं है, स्टोर है तो लगा सकते हैं उसमें। सेम बात है, पहले तो स्टोर की रेमेडी दो ना वहां पे। सर स्टोर को हमने फूड वाले से अच्छे वाले तरीके से करीने से लगाया हुआ है। स्टोर को हमने कबाड़ घर नहीं बनाया, क्योंकि सबसे पहले तो हम उसका कबाड़ घर हटा के तो स्टोर अगर रनिंग आइटम है तो स्टोर नहीं है। अगर बार बार एक बार बात बोल रहा हूँ आपको, सबको रिपीटेडली बोल चुका हूँ कई बार, इट ऑल वेरीज व्हाट इज योर सबकॉन्शियस माइंड फील। इफ योर सबकॉन्शियस माइंड से इट इज अ स्टोर, देन इट इज अ स्टोर, यू कैनॉट चेंज इट। आप ऑर्गेनाइज करते हो तो क्लस्टर कम होगा दिमाग में, ऑर्गेनाइज ज्यादा करते हो अनऑर्गेनाइज तो क्लस्टर ज्यादा होगा। ऑर्गेनाइज तरीके से रखने से स्टोर तो स्टोर है ही ना, उसकी रेमेडी तो करनी ही पड़ेगी ना। फिर भी अगर उसके रिजल्ट आ रहे हैं स्टोर वाले, अगर बुद्धिमंद हो रही है, विजिबिलिटी नहीं आ रही, फिल्टरिंग नहीं हो रही है, तो दिक्कत तो है ही। राइट रॉन्ग का इंसान मतभेद नहीं कर पा रहा, डिसीजंस नहीं ले पा रहा, तो दिक्कत तो है। तो सर क्या रेमेडी करेंगे इसमें? स्टोर की, बाथरूम की तो हमें पता है, किचन की भी पता है। पूरा फ्लो टूट गया कहानी का। अच्छा सर, सॉरी, बाद में बता दी कहा थी कहानी, ये भी ध्यान है, कहानी पूरा फ्लो खड़ा हो गया। उसका फोटो आशीष जी ने लगाया है ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, अमृतस्य पुत्र। आप बोल रहे थे कि एनई में अमृतस्य पुत्र लगाना है, अगर वो जोन को एनर्जाइज करना है, ये बोल रहे थे आप। तो साउथ वेस्ट की हम अगर रेमेडी कर रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट को भी एनर्जाइज करके चलेंगे, बैलेंस करके चलेंगे। अब सारे काम होने के बाद इंसान को अब चाहिए होती है जगह जिंदगी में, अब चाहिए लैंड प्रॉपर्टी, मल्टीपल स्पेस, क्योंकि परिवार बड़ा हो गया, जगह भी ज्यादा चाहिए। परिवार में परिवार के बच्चों के बच्चे हैं तो स्पेस बढ़ गई। लैंड प्रॉपर्टी, लैंड प्रॉपर्टी कैसे आएगी? लैंड प्रॉपर्टी अगर तो रिटेंशन के लिए चाहिए तो WSW, अगर तो लैंड और प्रॉपर्टी प्रॉफिट्स एंड गेन्स के लिए चाहिए तो वेस्ट। अगर लैंड एंड प्रॉपर्टी रिटेंशन के लिए चाहिए तो विलेज की सीनरी WSW में लगाएंगे, ब्लैक फ्रेम में वॉल पे हैंग होगी। और क्योंकि पुरानी चीजों का सामान का रख रखाव शनिदेव के पास है, विलेज पुराना कल्चर, शनिदेव प्लैनेट है। अर्थ इसका एलिमेंट है क्योंकि धरती से जुड़ा हुआ है,
अर्थ इसका एलिमेंट है। और यही चीज अगर हमारे को बेनिफिट के लिए चाहिए, प्रॉफिट गेन्स के लिए चाहिए, तो इसी विलेज हिंदी को हम वेस्ट में लगा देंगे, इसी विलेज हिंदी को हम वेस्ट में लगा देंगे। साथ में एक चीज और करेंगे, भागते हुए घोड़े का जोड़ा लाल रंग का साउथ ईस्ट में लगा देंगे, ताकि कैश का फ्लो अरेंजमेंट हो जाए। बिना पैसे के तो आएगी नहीं ना जमीन, तो पैसा भी तो चाहिए, तो साउथ ईस्ट पैसा देगा। तो वो हम वहां पे साउथ ईस्ट में लगा देंगे, ताकि कैश का बंदोबस्त होना शुरू हो। अब इसी बीच में बात आ जाती है कि घर के अंदर यंग जनरेशन है तो एडिक्शन भी नई नई प्रकार की आती है, तो एडिक्शन का शिकार हो गए, या वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं फालतू में, कोई सेंस नहीं है। अभी खर्चे रोकने हैं फालतू के, या अल्कोहलिक या एडिक्शन छुड़ानी है, तो डिस्पोजल की एक्टिविटी डिस्पोजल से होगी, विच मीन्स कि डिस्पोजल में या तो सारा एडिक्शन का सामान रखवा दो, धीरे धीरे वो एडिक्शन ही खत्म हो जाएगी। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूं, जाने अनजाने में करी गई चीजें भी काम कर जाती हैं। तो अब बच्चे हैं, एडिक्शन आ रही है, सोर्स ऑफ ट्रस्ट डिस्पोज ऑफ एडिक्शन, साथ में फालतू खर्चा हो रहा है, येलो वास बोलो या वेस्ट बोलो, मतलब मिट्टी का गमला पीले रंग का, काली गमला, चीनी मिट्टी का गमला आता जा रहा है पीले रंग का, चीनी मिट्टी का गमला पीले रंग का साउथ साउथ वेस्ट में लगा दो, फ्लोर पे लगा दो, टेबल पे लगा दो, कहीं पे भी रख दो, जो ये इंश्योर करेगा जो फालतू के खर्चे हैं उसको रोके। अब एक चीज का ध्यान देना, जिसके घर में फालतू के खर्चे ना हो और वो लगाएगा, तो पहले खर्चे होंगे तो रुकेंगे। तो ऐसा मत करना कि सभी लगा दे, तो एनर्जी का समझ में जाएगा रोकना किसको है भाई, कहता है क्या, तो पहले तो करवा लो पहले खर्चे, तब आइए वापस। सो वास को लगाना जब जब साउथ साउथ वेस्ट, या जिसका साउथ साउथ वेस्ट बहुत बड़ा हुआ हो वो लगा लो, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, तो फिर मैं खर्चे तो आए ही नहीं फालतू में, वो लगा लो। इट एंश्योर टू स्टॉप वेस्टेज, एंड वास के अंदर बुध और जुपिटर का प्लैनेट का तत्व होता है, एयर और अर्थ का एलिमेंट होता है, that ensure to stop wastage, at the same time that it is important to increase saving. तो जब आप saving की आती है, यहाँ पे फिर north को energize करना जरूरी है, south east को energize करना जरूरी है, west को energize करना जरूरी है, ताकि जो north, south east और west, इन तीनों से उपज आनी चाहिए। अगर हमें खर्चे रोक रहे हैं तो इन तीनों में उपज आनी चाहिए, पता चला खर्चे रोकने के लिए कुछ नहीं था आपके पास, अब तो रोक का के लिए रोक। जिस व्यक्ति की आमदनी ही नहीं है तो खर्चे क्या रोक रहा है, खर्चा तो आमदनी बढ़ाने के साधन करो ना, रोक क्या रहा? तो समझ के रेमेडियल पार्ट है, इसलिए मैं कहानी के रूप में बता रहा था कि समझ आ जाए। तो ये खर्चे रोकने की बात आई। अब कई बार बात आ जाती है कि इंसान को थोड़ी सी डेकोरेशन करनी है, कुछ चीजों की और करना है, छोटी छोटी चीजें होती हैं, वाटर फाउंटेन जैसे, तो वाटर फाउंटेन नॉर्थ ईस्ट में पहले बता ही चुका हूँ, तो नॉर्थ से लेके ईस्ट पानी की कोई भी जोन में कहीं भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है, वेस्ट में लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, वेस्ट में पानी आता है, वरुण की देवता खुले पानी आता है प्रॉपर वेस्ट में, ठीक, वरुण है ही पानी अपने आप में। इसके अलावा जैसे आ जाता है ताजमहल, ताजमहल एक ऐसी चीज है, एक्चुअली तो मकबरा है, एक्चुअली तो घर में इसका स्थान होना ही नहीं चाहिए, कायदे से
आ भी गया तो ये जो इस टाइप की चीजें होती है ना वो वेस्ट में जाती है। ये सारी चीजें इस टाइप की जो ऐसी चीजें जिसको की जो कि ऑलरेडी ब्राह्मण ब्राह्मणीय ऊर्जाएं हैं जो कॉस्मिक एनर्जीज हैं, बकपरा जो है उसके अंदर जो समाधि है वो सब ऑलरेडी ब्राह्मण के अंदर है, तो सारी चीजें वो वेस्ट में जाती है। That goes to waste. केवल इंसान के पास नटराज की मूर्तियां होती है, नटराज होता है, तो नटराज की मूर्ति की दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो यह है कि उसकी भक्ति, नटराज की मूर्ति में भक्ति भी बहुत है, तो जो भक्ति है वो तो नॉर्थ ईस्ट से है। दूसरी इसके अंदर स्किल एंड कॉम्पिटेंसी, स्किल और कॉम्पिटेंसी जो आती है वो आती है साउथ वेस्ट से, वो है साउथ वेस्ट से। और उसके अंदर फायर भी है क्योंकि डांस डांस बिना फायर के तो होता ही उसमें थोड़ी फायर भी, तो उसकी जो पोजीशन है वो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट इसकी पोजीशन आती है। अब वो आती विंड चिम जो होती है ऑल नंबर में चलती है और उसमें छन छन की आवाज आनी चाहिए। आजकल डिफरेंट डिफरेंट विंड चिम आती है, कोई सिरेमिक की आ रही है या लकड़ की आ रही है, उसमें आवाज नहीं आती है, उनको डेकोरेशन है उसमें आवाज नहीं है, तो विंडचिम में छिन छिन की आवाज भी आनी चाहिए। ऑड नंबर की विंडचिम चलती है और विंडचिम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू कट ऑफ द एनर्जीज। फॉर एग्जांपल किसी घर के एक लाइन में तीन चार गेट आ रहे हैं एक लाइन, अब वो एनर्जी को कट करना है, यूज विंडचिम इन बिटवीन द डोर्स, use wind chim in between door to cut the energies and that cut very very beautifully wind chim. हाँ एक बात कही जाती है सब, जैसे हमने नॉर्थ से खोला और साउथ भी खोल दिया, जो नॉर्थ से आया वो साउथ में निकल जाएगा? नहीं निकलेगा सर, आप करके देख लो नहीं निकलेगा। कहा जाता है I tell you first thing. आप पहली बात ये तो ये समझना कोई भी जो एनर्जी आ रही है, बात समझना इस बात को, भ्रांतियां बहुत सारी हैं। जब पहली बात तो एनर्जी आ रही है, जब एनर्जी आ रही है तो वो आपके सेंटर को हिट कर रही है। मान लो प्लॉट में कुछ ही नहीं है, मान लो एक पूरा बड़ा सा पूरा सा हॉल है और उस हॉल में और कुछ ही नहीं है, कोई दीवार नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने सामने चार गेट खुल गए, आमने सामने सेंटर तो रहा सेंटर ही, तो जो एनर्जी आई और दूसरी साइड से भी आई तो सेंटर में सेंटर को एनर्जाइज करेगी, सेंटर को टकराएगी। लॉजिकल देखो, दो व्यक्ति आ रहे हैं ऐसे तो सेंटर को जो आएगा वहां हिट करेगा, और दो ऐसे आ रहे हैं और सेंटर को हिट करेंगे तो सेंटर को आएगी। और भ्रमस्थान जो क्रिएशन है वो जनरेशन है, वो ग्रोथ है, वो डेवलपमेंट है, वो इम्प्रूवमेंट है, वो हर चीज है। और भ्रमस्थान के चारों इर्द गिर्द चारों वेद है, तो जितना भ्रमस्थान पावरफुल होगा उतने ज्ञान पावरफुल हो जाएगा चारों तरफ से। आपकी बात बहुत लॉजिकल होती है, धन्यवाद। जैविन सर करीब 25 साल से वास्तु कर रहे हैं और ये हमारी बहुत बड़ी उनका आशीर्वाद हमारे पे कि वो उसके बावजूद भी मेरी क्लास में या है सब। मैं आपको बहुत अच्छा मतलब मानता हूँ, हमने पढ़ाई की काम कर रहे हैं पर वाकई आपकी बात बहुत अच्छी लॉजिकल होती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और सही बात ये पता नहीं क्यों दिल जुड़ा हुआ है। यस सर, वाइब्रेशन। थैंक यू, वाइब्रेशन बहुत अच्छी।